नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं माई भारत न्यूज। आज नजर डालते हैं ताजा खबरों को फटाफट अंदाज में। लखनऊ में विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का 23वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 57 देशों के मुख्य न्यायाधीशों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। यह सम्मेलन 5 दिनों तक आयोजित किया जाएगा। महाराजगंज के फरेदा कस्बे में श्री श्री रानी सती दादी माँ की याद में रथ यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में नगर पंचायत अध्यक्ष समेत लोगों की काफी भीड़ दिखाई दी। लखनऊ में विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन के 43वें वार्षिक महाधिवेशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने शिरकत की। इस दौरान मंत्री ने कर्मचारियों की मांगों को लेकर उन्हें आश्वासन भी दिया। हरदोई के सनीला इलाके में रेलवे क्रॉसिंग के पास संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन से कटकर युवती की मौत हो गई। वहीं जीआरपी की मदद से शव की पहचान कविता नाम की युवती के रूप में की गई है। राजधानी लखनऊ में फेफड़ों की बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बताया गया कि मौत का दूसरा बड़ा कारण है। इसके साथ ही भारत में होने वाली लगभग 9.5% मौत इस रोग का कारण होती है। प्रतापगढ़ में सरेआम प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद कार सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं इस मामले में पुलिस ने बदमाशों को जल्द पकड़ने की बात कही है। हरदोई में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने इमरजेंसी सहित कई वार्डों में जाकर मरीजों का हालचाल जाना। फरुखाबाद में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की राह कठिन होती जा रही है, जहां बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आशीष प्रताप ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने 12 सूत्रीय संकल्प पत्र जारी किया है। हरदोई में अवैध खनन का वीडियो वायरल होने के बाद जिलाधिकारी ने SDM को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है, जिसका जवाब 3 दिनों के अंदर देना है। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने शहर के युवा व्यापारी अंकित को नगर अध्यक्ष घोषित किया है, जहां युवा व्यापारी अंकित को फूल माला देकर उन्हें सम्मानित किया गया। महाराजगंज में पुलिस ने लोगों को यातायात का पाठ पढ़ाया, जहां फरेदा कोतवाल ने बिना हेलमेट बाइक चालकों को वार्निंग देकर ही छोड़ दिया। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को हेलमेट पहनकर बाइक चलाने को लेकर शपथ दिलाई। हरिद्वार के पिरान कलियर में खनन अधिकारियों ने डंपर को सीज कर दिया है। खनन अधिकारियों ने बताया कि कई दिनों से ओवरलोड वाहनों की शिकायत मिल रही थी, जहां गश्त के दौरान वाहनों को सीज कर दिया गया। TTE ने बरेली में चलती ट्रेन से सेना के जवान को धक्का दे दिया, जिससे फौजी गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं हादसे के बाद से TTE फरार है। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा और योग सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल्द ही समान नागरिक संहिता कानून लागू किया जाएगा, जिस पर कमेटी काम कर रही है। कार्यक्रम में आगे बोलते हुए CM धामी ने कहा कि धर्मांतरण पर हम बहुत जल्द कठोर कानून बनाने वाले हैं और उत्तराखंड में सबसे अधिक सजा के प्रावधान का फैसला लिया गया है। अहमदाबाद से चेन्नई जा रही नवजीवन एक्सप्रेस में आग लग गई। गुडूर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आग पर काबू पाया गया। गुजरात में एक IAS अधिकारी ने चुनाव में ड्यूटी को लेकर अपनी तैनाती सोशल मीडिया के जरिए सार्वजनिक कर दी थी, जिसके बाद IAS अधिकारी अभिषेक सिंह को गुजरात चुनाव से हटा दिया गया। दिग्गज पंजाबी एक्ट्रेस दलजीत कौर ने 69 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। उन्हें पंजाबी सिनेमा की हेमामाली कहा जाता था। वहीं दलजीत के निधन से पंजाबी फैंस में शोक की लहर है। भारतीय न्यूजीलैंड के बीच खेला जाने वाला पहला T20 मैच बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया है। करीब 2 घंटे के इंतजार के बाद आधिकारिक रूप से इस मैच को रद्द करने की घोषणा की गई। ब्रिटेन इन दिनों आर्थिक मंदी की चपेट में आ चुका है। इसको लेकर प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इस पर काबू पाने के लिए टैक्स की दरों में इजाफा कर रहे हैं। वहीं ऊर्जा संकट को लेकर रूस यूक्रेन युद्ध को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी बड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें माई भारत न्यूज़।